असलम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल क्या हाल चाल हैं जी आप सबके और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको मेरी तरफ़ से गुजशत ईद बहुत बहुत मुबारक हाँ जी ईद का थर्ड डे मैंने ये ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे इस तरह के ब्लॉग को शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है और लिटरली इस तरह के छोटे छोटे -चुट क्लिप्स को कंबाइन करना तीन से चार दिन लग जाते हैं तो क्योंकि ईद देश चल रहे हैं और ये क्योंकि बकर होती है तो इसमें सारा कुछ जो बेस होती है बस ये हर तरफ गोश्त ही गोश्त होता है और मेरा तो बहुत दिल घबरा जाता है सो मैं पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ कोई ना कोई सब्ज़ी बना के मैं पहले से रख लेती हूँ ताकि मुझे एंड टाइम पर ना कोई मसला ना हो और वैसे भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो मैंने तो भाई लाइट से यहाँ पर अपनी पसंदीदा सब्ज़ी जो है वो सिलेक्ट की अच्छा जी साथ साथ बन रहा है खाना और साथ साथ आपके थोड़ी बहुत चिट चैट भी कर लेते हैं आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें आपकी ईद कैसी गुजरी सम टाइम ना मैं ऐसे ब्लॉग्स डेली रूटीन के जब आपके साथ शेयर करती हूँ तो जस्ट अपनी चेंज के लिए भी शेयर करती हूँ और अपनी उन सिस्टर्स के लिए जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन टच हैं डे फर्स्ट से और कुछ अपनी प्रॉब्लम्स कुछ अपनी बातें भी शेयर करती रहती हैं तो जनाब आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी है और आपके यहाँ आपके सिटीज़ का मौसम कैसा है अच्छा जी मेरी वो सिस्टर्स जो मुझसे अक्सर डिमांड करती हैं कि आप लोकल मार्केट में ज्वेलरी वग़ैरह का भी जो है तो हमारे साथ शेयर किया करें या लोकल मार्केट में जो न्यू वैरायटी आती है फैब्रिक्स की कपड़ों की तो वो भी हमारे साथ शेयर करें इसी के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर भी किए हैं और ज़ाहिर सी बात है कि ब्रांड्स हर सिटी में नहीं हैं अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे सिटीज़ हैं जहाँ पर कुछ ब्रांड्स के आउटलेट्स नहीं हैं तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट मैंने आपको कुछ ऐसे ब्लॉग्स भी शेयर किए हैं और अब मैं वो शेयर करती रहूँगी इन जब तक अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और अगर आपको मेरे थ्रू शॉपिंग भी करवानी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कर लिया करें वहाँ पर जो डिटेल आपको चाहिए हो वहाँ पर मैं आपको दे दूँगी और स्क्रीन पर जो मैंने मेंशन किया हुआ है शेयर किया हुआ है कांटेक्ट नंबर आप इस पर भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं लेकिन प्लीज़ मेक श्योर वही लोग कॉन्टेक्ट करें जिनको सीरियसली शॉपिंग करनी हो बिकॉज मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग डिटेल्स ले लेते हैं और मेरा भी टाइम ज़ाया कर लेते हैं लेकिन फिर वो सीरियस भी नहीं होते तो ऐसा ना क्या करें अच्छा भी नहीं लगता आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता तो आई नो कि ये कौन लोग हो सकते हैं जाहिर सी बात है बहुत सारी जो चैनल्स वाले लोग हैं तो वो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन मेरा बिज़नेस नहीं है ऐसा कोई भी साइड बिजनेस नहीं है मैं सिर्फ़ अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए शॉपिंग करती हूँ जिनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है यह डिमांड होती है ठीक है मेरा ऐसा कोई साइड बिज़नेस नहीं है और ना मुझे टाइम मिलता है तो आपकी बहुत ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट होगी तो तभी आपके लिए शॉपिंग की जाती है और वो भी एडवांस पेमेंट के थ्रू मैं काफ़ी दफ़ा आपको यही शेयर किए करती हूँ क्योंकि जब कभी भी आपने किसी भी ब्लॉगर से किसी भी चैनल ओनर से जो साइड बिज़नेस भी करते होंगे तो उनको आप जब भी शॉपिंग का बोलेंगे तो वो एडवांस पेमेंट के थ्रू ही की जाती है अच्छा जी आई एम श्योर कि अभी इतनी डिटेल के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो कोई बात ना समझ में आए तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं अच्छा जी तो यहाँ पर बन रहे हैं मेरे आई थिंक मैं टेंडे बना रही थी या लकी बना रही थी लेकिन आई थिंक ये टेंडे हैं <laughs> क्योंकि अब मैंने डाल दिए हैं तो वॉइस ओवर करते हुए मैं दोबारा से पीछे नहीं जाना चाहती क्योंकि वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे रिटेक्स होती हैं अक्सर माइंड से बातें निकल जाती हैं सखर एनी बेज़ तो बस जी यही सब चल रहा है आजकल और क्योंकि ये ईद जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मियों में आई है तो लग पता गया है काफ़ी सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी समर्प करना कर पड़ता है और कुर्बानी जब हो जाती है तो बकर पर सबसे ज़्यादा जो टेंशन की चीज़ होती है ना वो यही होती है कि तकसीम कर दिया जाए कुर्बानी का गोश्त एज़ सुन एज़ पॉसिबल ताकि बिल्कुल भी कोई ख़राब शराब होने का चांस ना रहे अच्छा जी इसमें वैसे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कहने की ज़रूरत नहीं है फ्रिज और फ्रीज़र भरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं कुर्बानी जो है अल्लाह की राह में है तो भाई अपने लिए भी रखने का हुक्म है सिर्फ एक हद तक बाकी सब बांट दिया जाए तो वही आपके यमाल में है और वही कुर्बानी जो है वो कबूलियत वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बाटिए अपने लिए इतना रखिए जितना कि आपका शौक़ हो लेकिन ये नहीं कि आप सारे का सारा जानवर अपने घर में सेव कर लें रेफ्रिजरेटर्स में मैंने खुद भी सीरियसली ये चीज़ मेरे सामने होती है मेरे नेबर्स में इस्पेशली एवरी सेकेंड थर्ड ईयर जो है ना नया रेफ्रिजरेटर लिया जाता है फ्रीज़र लिया जाता है क्योंकि भाई बकर आ रही है और ईद कुर्बान पर बहुत सारा जो गोश्त इकट्ठा होता है वो जी सेव किया जाता है तो कितना बुरा सा लगता है आपका कितना बुरा इम्पेक्ट आता है दूसरों पर भी जब दूसरे लोगों के सामने आपकी ये चीज़ या ये बात या ये सोच सामने आती है तो तो ऐसा नहीं करना चाहिए सुनत रसूल है सुनत इब्राहिमी है सॉरी तो हम जहरी बात है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सुनत इब्राहिमी अमल करते हैं तो अल्लाह की राह में ही इसको तकसीम भी करना चाहिए हाँ जी तो यहाँ जो है मेरा डिनर हो गया था तैयार और अच्छा ये जो क्लिप है ये मेरा चांद रात का है चांद रात मीन्स के ईद की नाइट का है और मैं सैंडल लेने गई थी सैंडल ही क्या लेना था बकर पर तो इतना कुछ खास शॉपिंग नहीं होती लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना एक थोड़ी सी जो जैसे हम कहते हैं एक चस्का सा एक चस् जो पड़ी होती है आदत तो बस इसलिए मैं आ गई थी यहाँ स्टाइलो और स्टाइलो पर पहले भी मैंने इनकी ज्वेलरी आपके साथ शेयर की और स्टिल इनके वही जो सेट्स हैं ज्वेलरी के अवेलेबल हैं ठीक है अच्छा बहुत ही रिज़नेबल और बड़ी ही चीप प्राइसेस में है इनकी कुछ ज्वेलरी जो है अब ये जो आप देख रहे हैं ये इनका ब्राइडल सेट है जो कि पाँच हज़ार का था और इसके साथ जो है नेकलेस सेट तो ये आई थिंक पंद्रह सौ का था तो जहरी बात है मैंने नोट किया है कि अब स्टाइलों की ज्वेलरी पर इस तरह से क्राउड नहीं होता जो कुछ साल पहले होता था मैं ख़ुद भी बाई करती थी मैंने कई दफ़ा आपको शेयर किया है कि आई एम अ वेरी शॉपो हॉल एक पर्सन लेकिन अब मेरी शॉपिंग की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है एक तो ये कि बस इंसान का काफ़ी चेंज हो जाता है मिजाज तबीयत वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चेंजिंग्स आ जा जा जाती हैं बंदे में तो बस मेरी भी शॉपिंग की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है और वैसे भी साफ़ ही है जब जब जो, जो चीज़ नहीं पहननी और इतने ढेरों ढेर लेकर रखने का कोई फ़ायदा नहीं गुना ही है तो बजाय इसके कि अगर ली जाए तो नया के नया किसी न किसी को दे दिया जाए तो मैंने नोट किया है कि स्टाइलों की ज्वेलरी का वो मैार नहीं रहा वो क्वालिटी भी नहीं रही बस सिर्फ चमक दमक है अट्रैक्शन है और पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से अब आप देखिए ये जो बेंगल्स के सेट हैं ये ढाई ढाई हज़ार का सेट है और अगर आपको स्टोन्स में चाहिए और इमिटेशन जो ज्वेलरी होती है ना गोल्ड प्लेटेड सिल्वर प्लेटेड तो वो फिर एक्सपेंसिव साइड पर होती है मैंने लॉन्ग गो इनसे बाई किए थे उस वक्त तो इनका स्टफ़ अच्छा था कुछ अच्छा था लेकिन अब जो है ना सब का सब ऑक्सीडाइज हो जाता है सो मेक श्योर कर लिया करें क्योंकि इन चीज़ों पर पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि आप गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड चीज़ें ले लिया करें जाहिर सी बात है कि गोल्ड तो भई अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की रेंज से बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो चुका है तो आई नो कि गोल्ड बहुत मुश्किल हो चुका है परचेज़ करना नॉर्मली कंडीशंस में तो ये जो मिटेशन जुलरी इसी वजह से एक्सपेंसिव है क्योंकि काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं तो वो ये बाई करते हैं तो अब ये जो हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी कंडीशन बड़ी अच्छी थी ये भी एक्सीडाइज होते हैं ये भी मैं आपको बता दूँ लेकिन इनकी जो प्राइस थी वो दो हज़ार दो सौ की थी इन सब की तो बस ये इसलिए आपको शेयर किए हैं कि कुछ मेरी बहनें डिमांड करती हैं कि आप लोग ज्वेलरी भी शेयर किया करें लोकल मार्केट की हो या चाहे ब्रांड की तो एज ए रिव्यू मैं आपको ये शेयर करी हूँ स्टाइलो की जो ज्वेलरी है ऑक्सीडाइज हो जाती है अच्छी भी नहीं लगती और इनके जो स्टोन होते हैं डायमंडस होते हैं डायमंड टीज़ जो होते हैं वो गिर भी जाते हैं तो अच्छा मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी लिया करती थी अभी भी लेती हूँ आर्टिफिशल लेकिन क्योंकि मुझे सूट नहीं करती तो मैं इतना वेयर नहीं करती बस जो चीज़ें अपनी हैं औरिजनल में हैं अलहमदिल्ला का एहसान है तो बस उन्हीं को यूटिलाइज़ किया जाए तो अच्छी बात है और ज़्यादा फर्दर इतना बोझ ले कर रखने की क्या ज़रूरत है फिर उसको संभालना उसको लुकाफ्टर करना ये भी एक अलग काम होता है ये बेंगल सेट्स हैं जो कि तीन हज़ार चार हज़ार और पाँच हज़ार की रेंज में भी हैं और सबसे ज़्यादा वाइट बेस में हैं अच्छा फ़र्स्ट स्टेप की जो मैंने आपको वीडियोस शेयर की थी कुछ उनकी ज्वेलरी कंपेरेटिवली दी स्टाइल और ज्वेलरी बहुत अच्छी है देर से एक्सरटाइज होती है लाइक आपकी कुछ वेयरिंग चल जाती है लेकिन जो स्टाइलों की ज्वेलरी है वो बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेती है अच्छा मैं इसके बारे में भी एक हैक और ट्रिक आपके साथ इन मुझे याद रहा तो किसी वीडियो में शेयर करूँगी क्या ऑक्सीडाइज होने वाली ज्वेलरी को आप थोड़े से टाइम के लिए कैसे लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं तो ये इनके इयरिंग्स थे या रूप्स भी थे काफ़ी सारी इनकी कलेक्शन होती है स्टाइलों की दो के होती है, बड़ी खूबसूरत है आप चाहें तो बाई कर सकते हैं तो मैंने सोचा कुछ अपनी व्यूवरशिप के साथ इस किस्म कभी रैंडमली वीडियो या ब्लॉग शेयर किया जाए एज अ रिव्यू तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक शेयर कर लिया करें नए हैं चैनल पर फ़र्स्ट विज़िट करें हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भुला करें और नोटिफिकेशन बेल को ना ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरे तमाम नए वीडियोस जो हैं वो आटोमेटिकली नोटिफिकेशन के साथ जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है तो वो आपको मिल जाएंगे तो दो में ज़रूर याद रखिएगा अपना और सबका ख्याल रखिए वन सेकेंड आप सबको गुजशत ईद मुबारक बहुत बहुत और चाहती हूँ मैं इजाजत थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स स्टे